क्या आपको पता है सीटेट और टेट के एग्ज़ाम आ गए हैं। सीटेट का दिसंबर में है और टेट का नवंबर में। आप लोग भी कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। जो लोग जो बच्चे सीटेट और टेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मेन क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनकी प्रिपरेशन बहुत आसानी से कर लेंगे। ये मेन क्वेश्चंस हैं जो सीटेट और टेट में पूछे जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिका जैन। आज आपसे आप सभी का फिर से मेरे सोनिका स्टडी ऐप चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फिर से कुछ करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। मेरे स्टूडेंट अब करंट अफेयर्स के लिए मांग कर रहे हैं कि मैडम आप करंट अफेयर्स पढ़ाएं करंट अफेयर्स की वीडियो, इसलिए मैंने अपने बच्चों की गुजारिश पे करंट अफेयर्स की वीडियो बनाई है। जो लोग सीटेट और टैट और एक्सेट्रा जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। आप लोग सी टेट करें, जिन्होंने बी एड बी टी सी कर ली है, जिनको जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं बी एड या बी टी सी, वो भी इन फॉर्म को भर सकते हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को विदाउट स्किप करें, पूरा देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं सी टेट और टैट के लिए लेके आई हूँ। हमारी क्लासेस में चलते रहते हैं करंट अफेयर। पहले मैं छोटे बच्चों की वीडियो भी बनाई थी मैंने, अब मैं करंट अफेयर्स की वीडियो बना रही हूँ। आप प्लीज़ इन करंट अफेयर्स को ज़रूर देखिएगा। हाँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट कर रही मैं जा रही हूँ। लेट्स प्ले। देखिए, मेरा पहला सवाल है, कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगी, उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएंगी। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल हिंदी भाषा ही पढ़ाएंगी या एक और दो? आपका टाइम शुरू होता है अब। और आंसर है इसका ए, विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने का अवसर प्रदान करेंगी। नेक्स्ट है मेरा, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनने के लिए कहने का उद्देश्य है, एक उद्देश्य की संस्कृति से परिचित करवाना, मनोरंजन करवाना या भाषी भिन्नता से परिचित कराना, या एक और तीन दोनों? और आपका टाइम शुरू होता है अब। और आंसर है इसका एक और तीन, यानी कि पहला एक दूसरे संस्कृति से परिचित और तीसरा है भाषी वाला। तीसरा है मेरा, तीसरा भाषा सूत्र का उद्देश्य है देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, या विदेशी भाषा में परिचित कराना, या भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, या उपरोक्त सभी? और आपका टाइम शुरू होता है अब। और आंसर है इसका भिन्न संस्कृति से परिचित कराना। नेक्स्ट मेरा, देखिए, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना? और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और आंसर है इसका सुनना, भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना। नेक्स्ट मेरा, देखिए, सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, सुनना कौशल अन्य कौशल के विकसित में सहायक है, सुनना कौशल के विकास भाषा नियमों को पहचानने और उनका निर्माण करने में सहायक है। और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और आंसर है इसका सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट मेरा, देखिए, विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुत लेख लिखवाता है, वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, वह वाचक कौशल को विकसित कर रहा है, या श्रवण लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है? और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और आंसर है इसका श्रवण एवं लेखन दोनों को कौशल को विकसित कर रहा है। नेक्स्ट मेरा है, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है, नंबर एक पुस्तक विधि में, नंबर आगमन विधि में, नंबर थ्री निगम विधि में, नंबर चार सूत्र विधि में? और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और आंसर है इसका आगमन विधि में। ओके, नेक्स्ट मेरा, देखिए, मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताबों का सदुपयोग, या शारीरिक वृद्धि? और आपका टाइम शुरू होता है नाउ।
और आंसर है इसका ज्ञान की वृद्धि। ओके नेक्स्ट मेरा देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होते हैं। आपका टाइम शुरू होता है और आंसर है इसका सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंत संबंधित होते हैं। नेक्स्ट मेरा है, पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्ह की पहचान, शब्दों को पढ़ाना, वाक्यों को पढ़ाना या पढ़कर समझना। और आपका टाइम शुरू होता है और आंसर है इसका पढ़कर समझना। नेक्स्ट मेरा है, मौखिक कौशल का उद्देश्य है उचित गति एवं लय के आत्म व्यक्ति किसी के विचारों को सुनकर उन्हें पुनः शब्द को बोलना, बोल बोल कर लिखना, पढ़ लिख सकना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ सकना। और आपका टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका उचित गति एवं लय के आत्माभ्यक्ति। और नेक्स्ट है मेरा, भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहली का प्रयोग करती है, वह क्या है? प्रयोग विधि, प्रयोग विधि का, व्याकरण, व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, खेल विधि का या पुस्तक विधि का। और आपका टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका खेल विधि का। ओके नेक्स्ट मेरा है, बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है सुंदर लिखावट, आलंकारिक भाषा या सशक्त वाक्य या मौलिक विचार। आपका टाइम शुरू होता है और आंसर है इसका मौलिक विचार। ओके नेक्स्ट मेरा है, सुनना कौशल में शामिल है सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति, दूसरे की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास या शांतिपूर्वक सुनना। और टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट मेरा है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है प्रश्नोत्तर विधि, अवसरानुकूलता या एक और दो दोनों या अनुलेखन। और आपका टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका एक और दो दोनों यानी प्रश्नोविधि, प्रश्नोत्तर, अवसार कुर्णता। नेक्स्ट है मेरा, मोहिका कक्षा 8 की भाषा की अध्यापिका है वह व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करवाने के स्थान पर छात्रों को उन नियमों का प्रयोग करने के लिए कहती है। उसका उद्देश्य है व्याकरण रुचिकर बनाना, व्याकरण को व्यवहारिक प्रयोग पर बल देना, एक और दो दोनों या प्रबंधन से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका एक और दो दोनों। ओके नेक्स्ट मेरा है, सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से बढ़कर हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं, एक दूसरे से संबंध हैं। और हमारा टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका एक दूसरे से संबंध हैं। नेक्स्ट मेरा है, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, कोई भी भाषाई कौशल अंत संबंधित नहीं है, सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित हैं। और हमारा टाइम शुरू होता है नाउ और आंसर है इसका सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित हैं। नेक्स्ट मेरा है, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है लेखन कौशल के विकास में, शुद्ध वाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति एवं मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। और मेरा टाइम शुरू हो गया है और आंसर है इसका पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। नेक्स्ट मेरा है, सुरेश डी के स्थान पर रा उच्चारित करता है तो यह उसके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, भाषीय कौशल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मेरा टाइम शुरू होता है नाउ
और आंसर है इसका, इसके मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा। ये मेरे 20 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको सीटेट टेट के सबसे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।